Hello class, welcome to another tutorial on basic mathematics. So, from our past four classes, we are learning how to multiply 2 by 1 or 1 by 1 digits, okay? So this will be probably our last class where we are discussing multiplication without carry ones, okay? From our next class, we will discuss multiplication with carry ones also, okay? So let's revise whatever we have studied in our past few classes. Okay, we all know that we have to start multiplication, addition or subtraction from the right side, right? From backwards. सबसे पहले कौन सा पेयर सॉल्व करते हैं हम? पीछे वाला. Yes, right side वाला. So वैसे ही हम करेंगे. Yes, last two classes में हम पढ़ चुके हैं कि zero क्या होता है? गंदा बच्चा. इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? ज़ीरो. वो उसको भी ज़ीरो बना देता है. ठीक है, तो हम सभी को पता होना चाहिए कि नाइन को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? मल्टीप्लाई का साइन है, तो नाइन को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है? ज़ीरो ही आने वाला है. ठीक है, अब ये वाला पेयर सॉल्व हो गया. अब नाइन को इससे मल्टीप्लाई कर दिया. अब नाइन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस वाले नाइन से, इस वाले नंबर से. ठीक है, नाइन की टेबल हमको कितनी टाइम्स बोलनी है? नाइन टाइम्स. बस आपको टेबल अच्छी तरह से आती है तो हम इजीली मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स काउंट टेबल ऑफ नाइन. नाइन वन जा नाइन, नाइन टू जा एटीन, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, नाइन फोर जा थर्टी सिक्स, नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव, नाइन सिक्स जा फिफ्टी फोर, नाइन सेवन जा सिक्सटी थ्री, नाइन एट जा सेवेंटी टू एंड नाइन नाइन जा एट्टी वन. So we will write 1 of 81 over here, right? इस 9 के नीचे 1 लिखेंगे and 8 just on the left side of this one. So our final answer will be 810. So this is an interesting feature we were discussing in our past few classes. Then even we don't know the table of 90, still we can find out 90 into 9 will be 810. Yes, students? हमें भले ही 90 की टेबल नहीं आती है लेकिन इस ट्रिक से हम क्या निकाल सकते हैं? 90 की टेबल भी निकाल सकते हैं. हमने 99 जा निकाल लिया. क्या निकाल लिया? 810. और जो बड़े बच्चे हैं सिक्स्थ और सेवन्थ क्लास के स्पेशली, उनको तो पता ही है कि अगर हम जब ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम सॉरी रो फॉर्मेट में तो कैसे करते हैं? 99 जा 81 और एक ज़ीरो का एक ज़ीरो लगा देते हैं. ठीक है, सो दिस ट्रिक वी शुड नो. ओके, नाउ अगेन सॉल्विंग दिस एग्जाम्पल, हमें अगेन वही प्रोसीजर अपनाना है. क्या? सबसे पहले कौन सा पेयर सॉल्व करना है? सबसे पीछे वाला, सबसे राइट साइड वाला. ओके, सो दैट मींस हमें 2 को पहले किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से. ओके, सो वी हैव टू काउंट टेबल ऑफ 2 हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स. सो लेट्स स्टार्ट. 2 वन जा 2, 2 थ्री 2 जा 4, 2 थ्री जा 6, 2 फोर जा 8. बच्चों आपको टेबल इतनी अच्छी तरह से याद होनी चाहिए कि हमें बार बार काउंट ना करना पड़े. लाइक 2 वन जा 2 टू जा, हमें 2 फोर जा ऐसे ही याद आना चाहिए. 2 फोर जा क्या होता है? 8 होता है. ठीक है, बीच में से कहीं से भी आपसे कोई भी पूछ ले 2 सेवन जा, तो ऐसा नहीं है कि आप काउंट करें 2 वन जा 2 टू जा फिर 2 फिर 2 सेवन जा आए तब आप आंसर दें. नहीं, अब आपको टेबल इतनी अच्छी तरह याद करनी है. अभी लॉकडाउन में आपको क्या, अपना टाइम बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करना है. टेबल बहुत अच्छी तरह से याद करनी है, इतनी अच्छी तरह से याद करनी है कि आपको जैसे ही मैं बोलूँ 2 फोर जा तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 8. ऐसे काउंट नहीं करना है बार बार कि 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 थ्री जा 6. ठीक है, ये तो अभी हम समझने के लिए बार ऐसे तरह से काउंट करना है, लेकिन आपको इतनी अच्छी तरह से टेबल आनी चाहिए कि आप डायरेक्टली जैसे आपसे पूछा जाए 2 फाइव जा तो आपका फट से आंसर आना चाहिए. 2 फाइव जा 10 होता है. ठीक है, सो 2 फोर जा 8 वी हैड सॉल्व. नाउ अब इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया. अब इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से. ओके, सो अगेन 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 थ्री जा 6, 2 फोर जा 8 एंड 2 फाइव जा 10. ठीक है, सो इन दिस वे विल राइट 10 ओवर हियर. गॉट इट? सो 54 टू जा 108 इज द आंसर. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन द सेम प्रोसीजर, पहले इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस वाले 3 से. ठीक है, राइट वाले, सबसे राइट वाला जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 3 जा, है ना, आपको टेबल इतनी अच्छी तरह से याद होनी चाहिए कि जैसे ही आपसे पूछा जाए 3 3 जा कितना होता है तो आप क्विकली आपका आंसर आना चाहिए 3 3 जा 9 होता है. ओके, ऐसा
इतनी अच्छी तरह से टेबल आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। बार बार ऐसे काउंट नहीं करना है, 3 1 जा 3, फिर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इससे टाइम भी वेस्ट होता है, ठीक है। सो यूज़ योर मेमोरी एफिशिएंटली, है ना, अच्छे से याद कीजिए, 3 3 जा 9, गॉट इट। अगेन 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस 3 का काम पूरा हो गया। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से। सो अगेन विल काउंट टेबल ऑफ 3 टिल 7 टाइम्स, ओके। सो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। सो हियर्स योर 21। सो द फाइनल आंसर विल बी 73 3 जा 219। देखो हमको 73 की टेबल नहीं आती, फिर भी हमने क्या निकाल लिया, 73 3 जा कितना होता है, 219, ओके। सो लेट्स मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। नाउ लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, सेम नंबर। सो 0 एंड 1, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग नंबर इन मल्टीप्लीकेशन। एक तरफ 0 है जिससे मल्टीप्लाई किस तरह भी बड़े नंबर ऊपर दो वो सभी को 0 बना देता है, और एक 1 है जो सबका फ्रेंड होता है ना। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो सेम नंबर दे देता है। आप उसको 7 दोगे तो वो भी आपको 7 दे देगा, आप उसको 8 दोगे तो वो भी आपको क्या दे देगा, 8। आप उसको 100 दोगे तो वो आपको क्या दे देगा, 100। इसीलिए 2 1 जा 2 होता है, 3 1 जा 3 होता है, 4 1 जा 4 होता है, 5 1 जा 5 होता है, 6 1 जा 6 होता है, ऐसे ही 7 1 जा क्या होगा, 7, ठीक है। तो इस 7 को पहले हमने किससे मल्टीप्लाई किया, इस 1 से, ठीक है। अब इस 1 का काम हो गया, अब इस 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से, ओके। सो लेट्स काउंट टेबल ऑफ 7 टिल 8 टाइम्स। आप सभी मेरे साथ काउंट करेंगे, ठीक है। सो विल स्टार्ट, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। सो दिस 6 विल राइट ओवर हियर एंड 5 जस्ट लेफ्ट ऑफ इट, ओके। सो द फाइनल आंसर विल बी 567, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक मैथमेटिक्स एंड इन इट बेसिक मल्टीप्लीकेशन, ओके। फ्रॉम आवर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेवल मल्टीप्लीकेशन विच विल बी कैरी वंस। जैसे हमने एडिशन में कैरी वाला पढ़ा है, सब्ट्रैक्शन में कैरी वाला पढ़ा है, वैसे ही मल्टीप्लीकेशन में भी क्या होता है, कैरी वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो हम लेक्चर नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फॉर नाउ दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, ठीक है। ये होमवर्क के सारे 8 क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करने हैं, ठीक है, जो आपको स्कूल से मिली है। उसके बाद जहाँ भी आप ये सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसका फ़ोटो खींच के आपको रात को 9 बजे से पहले यू हैव टू व्हाट्सएप इट ऑन द स्कूल नंबर, ओके। स्कूल के जो नंबर हैं उस पे आपको व्हाट्सएप करना है उसका फ़ोटो खींच के रात को 9 बजे से पहले, ओके। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल बी स्टार्टिंग मल्टीप्लीकेशन विद कैरी वंस। टिल देन गुड बाय ऑल ऑफ यू।